देखियो आज का बंक अपना फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने शेरलॉक होम्स वाला दिमाग लगाया है। अबे तू ये बात पहले भी दो बार ही बोल चुका है और तेरा प्लान हमेशा फ्लॉप ही हुआ है। हाँ तो फेल होना मैटर नहीं करता, प्लान को सक्सेसफुल होना मैटर करता है। और वैसे भी हम दोनों ने कसम खा रखी है कि अपना ब्रो कोड कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ तो हाँ अबे सिर्फ हाँ तो और कैसे बोलूँ, जरा कॉन्फिडेंस से बोल हाँ। अरे हाँ अब चले। हाँ चल। देख भाई मैं क्या सोच रहा था, आज तुम भी आईमैक्स में देखेंगे। लेकिन भाई वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। जान दे भाई, दो पैसा ज्यादा लगे पर अच्छे से देखना आएगा, उसमें पॉपकॉर्न वगैरह का भी खर्चा आएगा। जान दे पैसा बहुत है अपने पास। चल अरे स्कूल बस से क्यों नहीं गई आज? क्योंकि स्कूल बस में यार वो भाई जल्दी बोल, कल की बस भी छूट जाएगी। अरे क्या मत जो तुम्हारा यार। यार ऐसे ही तुम लोग जाओ ना यार। ऐसे ही तो चल हमारे साथ बंक पर। बंक पर नहीं जाना मुझे, स्कूल जाना है मुझे। अबे तुझे स्कूल भी जाना है, तूने स्कूल बस भी मिस कर दी, आखिर चाहती क्या है भाई? यार तुम टाइम पास मत करो, मुझे स्कूल जाना है, बाय। अबे यार ये बहुत कंफ्यूज है, चल हम चलते हैं। अबू सुनना यार, तू जाना है यहाँ से, मैं इसे लेके आता हूँ पूजा पर। अबे यार ये सही ड्रामेबाजी लगा रखी है तुमने, मैं जा रहा हूँ। अबू सुन, मैं शाम को मिलता हूँ, आई लव यू। आज तक मैंने तुझे कभी अकेला जान दिया है तो अब जाने दूंगा। लेकिन हम जाएंगे कैसे? ऑटो रिक्शा से चला। तो बच्चों आप लोगों ने अपने लास्ट प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो सबसे अच्छा जिसने परफॉर्म किया है उसका नाम अमृत है, बिग हैंड्स फॉर हर। But on the other side of the spectrum, Asis has maintained his complete consistency on failing the practical. Clap for his failure, guys. ये न्यूज मैं तुम्हारे पर्सनली पेरेंट्स को मिलके देना चाहूंगा, कल बुलाओ अपने पेरेंट्स को। और ये कैसा पैंट पहना है तुमने, कैसे बाल है तुम्हारे, लोफर बनने आते तुम यहाँ पे? सॉरी सर। एनीवेज सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं आदित्य और थर्ड पे आए हैं दिव्यांशु, बिग हैंड्स फॉर देम, दे हैव लेबर्ड वेरी हार्ड। क्यों आई तू यहाँ पे? अच्छा तू मुझे ये बताने आई कि तूने क्लास में टॉप किया और मैं नीचे से, पता है मेरे को तू जा सकती है यहाँ से। अरे यार तू बातों को किसी भी डायरेक्शन में क्यों लेके जा रहा है? अरे मैं तो इतना बड़ा पागल हूँ, मैं डायरेक्शन लेस हूँ, मैं तो पैरेलल लाइंस को भी इंटरसेक्ट कर दूँ, यही प्रूफ करना था ना, यही। चल चुप हो जा, कोई पहाड़ नहीं टूटा है और तू उस बेवकूफ की बातों को दिल पे मत लगा। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तू ऊपर से टॉप करता है ड्राइंग में और मैं नीचे से। चल तू चुप हो जा, हम बंक करते हैं। और वैसे भी ये ऑर्डिनरी टीचर्स हम आर्टिस्ट स्टूडेंट्स को नहीं पहचान सकते, क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। चल यूं तुम्हें इससे कैंटीन कहते हो? सीरियसली कैंटीन, कैंटीन जैसा है ही क्या इस जगह में? चार टेबल लगाने से कोई जगह कैंटीन नहीं बन जाती, और वैसे भी ये जगह कितनी अनहाइजीनिक और गंदी है। यू मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। क्या ये तुम्हें कैंटीन कैंटीन नहीं लगती? और ये अनहाइजीनिक का टॉपिक आज स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखो बोला, इससे नीट एंड क्लीन तुम्हें कैंटीन कहीं नहीं मिलेगी।
वाह क्या आंखें हैं तुम्हारी, इससे बेहतर तुम अपनी आंखों में बटन फिट करवा लो, ज्यादा साफ दिखेगा। तुम्हें किस एंगल से ये जगह अच्छी और साफ दिख रही है? इतना गुस्सा क्यों, इतना एग्रेशन क्यों? अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाता हूँ जो वाकई में तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। अरे मुझे माफ करो और अपनी स्टेटमेंट साफ करो, मुझे कहीं और नहीं जाना है तुम्हारे साथ। अरे सुनो, नाम क्या था तुम्हारा? अलका, सुनीता, पूनम? अरे नाम तो बता दो सेनोरिटा। क्या कहा तुमने, दोबारा दोहराना? अलका, सुनीता, टीना, क्या मैं तुम्हें घरों में पोछा लगाने वाली बाई लगती हूँ? हे भगवान, क्या होगा मेरा? क्या? मैं तो बस हिट एंड ट्राई कर रहा था, तुमने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। मतलब कुछ भी, what the fuck is अलका यार, मतलब सीरियसली कुछ भी। अरे मेरी माँ, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। उफ, ये कहाँ फंस गई मैं, इससे अच्छा तो मेरा पुराना स्कूल था, यहाँ पर तो किसी को कोई होश ही नहीं है। अच्छा अच्छा, इससे पहले तुम किस स्कूल में भर्ती थी? What the fuck is भर्ती, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं किस स्कूल में थी? माइंड योर ओन बिजनेस पास्टर। ओ तेरी, क्या तीखे मिजाज है मैडम के, तो लड़के को फारिग कर दिया, वाह क्या बात है। अबे भाई बस तू देखता जा, इस अनारकली को मैं कैसे अपने अंटे में लेता हूँ। मैं साले जा तो रहा है, बस लास्ट टाइम की तरह बेइज्जती मत करा दियो। अबे पनौती, जब भी मुंह खोलता है कुछ मनुष्यत ही बोलता है। भाई भाई आड़िए इसी तरफ जा और फैला दे अपनी रोमांस की जादू। किस किस से तू भागेगी, तू बच बच के, तेनु रब ने हुसन देता रच रच के। भाइयो तू पागल पागल है क्या दिमाग से? लो भाई मिल गई वो खात, इसीलिए मैं सावधान कर रहा था मैं। अबे ठंड पा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। हाय मैडम, बेशक तुम इनमें से किसी भी चूतिए को मत बताओ कि तुम कहाँ से आई हो और कहाँ को जाओगी, लेकिन मुझे तो बता ही सकती हो ना, क्योंकि मैं हूँ लाउडा। तुमको लड़कियों से बात करने की तहजीब है भी या नहीं, ब्लडी इडियट्स। अरे करने दो इनको इनकी दिल लगी, बच्चे हैं एलकेजी के, थोड़ा कहेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे और फिर थक हार के अपनी मम्मी की गोद में सो जाएंगे। अबे ओ पागल सी, तू चिल्ला किस पे रही है? तुझे कुछ अंदाजा है कि तू किससे जवान लड़ा रही है? लोडे से। तो मैं कहाँ था? लोडे पे। सॉरी भाई। अगर तुम लोगों का सर्कस खत्म हो गया हो तो क्या हम जाएं? इतनी भी क्या जल्दी है, पहले इंट्रोडक्शन तो ले ले। देख तू अपनी हद पार कर रहा है, थोड़ा लिमिट में रहे, नहीं तो क्या कर लेगा। ओए तमीज से बात कर ले, नहीं तो ये सब तेरे लिए बहुत घातक साबित हो जाएगा। क्या हो गया? लड़की होनी थी, लड़का हो गया। लो भाई इसी की कमी थी। और बता चमन चूतिए कैसा है? और भाई बैटरी कैसा है, तेरी पावर तो नहीं बढ़ गई ना? भैया मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? और तू यहाँ क्या कर रही है, तेरा क्लास का टाइम हो गया ना, चल। क्यों भाई बैटरी, तेरे को क्या कीड़ा काट रहा है इसके यहाँ होने से? अब समझ आया, ये अपना बैटरी इस लौंडे को लाइक करता है, हमारे सामने शान पत्ती दिखा के इसको इम्प्रेस करना चाहता है। तुम लोगों के कल घुटनों में है क्या, या घास चरने गई है? किससे क्या बात करनी है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता? भैया इसकी बात का मतलब कुछ और है, ये कहना चाहती है आप लोग कितने तमीज़दार हैं, है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये लोग बहुत बदतमीज हैं। अबे वो बैटरी, अपना बहुत बेइज्जती करा ली, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। क्या कर लेगा तू, हैं? भाई भाई कूल डाउन,
भाई लड़की अभी स्कूल में नहीं है तो धीरे धीरे सारे कानून कायदे सीख जाएगी भाई। अभी सिखा देता हूँ हमसे पंगा लेने का हश क्या होता है। इसके जनरेटर में इतनी पावर कहाँ से आ गई? माँ कसम क्या धोता है, अभी तक दर्द हो रहा है यार। भाई बैटरी यार, मतलब मेरा मतलब देवांशु भाई, हम तुम्हें हमेशा से चूतिया समझते थे भाई, उसके लिए हमें माफ कर दे यार प्लीज भाई। नहीं हम कभी आपकी नहीं, हमारी प्यारी बहनों के साथ हम कभी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, हमें माफ कर देना भाई। तुम दोनों को लगी तो नहीं भाई, मैं स्वीट एंड सामी टाइप का लड़का हूँ, अब तुम लोग मेरी क्रश को सड़े बाजार में छेड़ोगे तो भाई गुस्सा तो आएगा ही ना। बात तो सही कह रहे हो भाई। यार दिव्यांशु तू तो बड़ा ही माचो मैन निकला, मैं तो साला तुझे फट्टू समझता था। सॉरी एंड थैंक यू। थैंक यू तो समझ में आता है, बट सॉरी किस बात का? शाम को क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं बस। तो चलोगी मेरे साथ अपनी फेवरेट जगह पर जो नीट एंड क्लीन हो? ओके पक्का चलेंगे। बट वो जगह हाइजीनिक तो होगी ना? अरे यार मुझे नहीं जाना, इसको ही ले जाओ। I'm sorry, मैं अनहाइजीनिक जगह पर भी कंफर्टेबल हूँ।